देखो रख रहे यस सेकंड क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो आर द रूट, रूट का मतलब है सोल्यूशन ही होता है, रूट ऑफ पी एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पी ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक, अब देखो अगर हम टू रखते हैं, एफ टू रखेंगे इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे टू रख दो पहले, इस पे टू रखो, इस पे सारी वैल्यू टू रख दो एक्स की, तो टू इंटू टू की पावर थ्री माइनस टू की पावर टू, फिर क्या प्लस का टू इंटू ए इंटू टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, अब क्या ये हो जाएगा, एट एट टू सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेंटी, सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी प्लस टू एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब क्या यहाँ पे माइनस का फोर आ जाए, फोर उधर भेज दो तो आएगा टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर, ये हो जाएगा एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, अब क्या रखेंगे, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, बोलो। क्या बेटा देखो रूट का मतलब या सोल्यूशन का मतलब, हमारे कहने का मतलब है अगर एक्स की वैल्यू यहाँ रखते हैं एक्स पे, तो ये पूरा जीरो आएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो जीरो आ जाएगी, इसीलिए पहले उन्होंने बता दिया है, तो ये रूट है, इस मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, समझ रहे हो, इस वैल्यू जो टू है इसको सेटिस्फाइड कर देगी, समझे। यस नहीं नहीं नो समझे, देखो देखो कहने का मतलब समझना, अगर हम कहें कि किसी सोल्यूशन है, अगर से कहते कोई लेते हैं टू प्लस इक्वल टू जीरो है, और एक सोल्यूशन लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस टू माइनस फोर ये लेते हैं, ठीक, तो हम कहते हैं क्या ये इसका रूट है, तो तुम कैसे करते हैं, हाँ एक्स की वैल्यू निकालते माइनस टू आता, इसको तो फिर माइनस टू की वैल्यू यहाँ रखते, रख के देखते हैं, अब माइनस टू रखे, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, माइनस टू का होल स्क्वायर करें फोर माइनस फोर कितना आया, जीरो, जीरो आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू है ये रूट है और सोल्यूशन है, समझ गए, अगर एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती तो बोलेंगे ये रूट है, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि टू पे एफ एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि ये बता दे रूट है, तभी तो ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे, समझा, समझ गए। अब देखो एक्स की जगह जीरो, हाँ बोलो बोलो, माइनस नहीं नहीं देखो हम एक कर रहे हैं, देखो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक, अब देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये इक्वेशन टू मान लेना, अब बी की वैल्यू आ ही गई है, बी जीरो तो यहाँ रख दो, बी फर्स्ट में टू की वैल्यू फर्स्ट में रख दोगे, तो टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर, टू ए इज इक्वल टू फोर, ए इज इक्वल टू फोर बाई टू, मतलब कितना हो गया टू, ठीक, ए और बी की वैल्यू आ गई, और कौन सा सवाल था, एक मिनट समय लिख लो। हाँ
हो गया? नो थैंक यू. हो गया बेटा? एक मिनट सर, एक ऊपर रफ कर रहे हैं क्वेश्चन. दूसरा एक और जो तुमने भेजा था वो नोट कर रहे हैं. लिखा इफ एक्स इज इक्वल टू 4/3 इज अ रूट. अब देखो इज द रूट लिखा है, इसका मतलब अगर x वैल्यूज फंक्शन पे रखेंगे तो फंक्शन जीरो हो जाएगा. बस इज द रूट ऑफ p एफ एक्स, एक्स रूट एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x³ माइनस 11x² प्लस kx प्लस 20. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब देखो इसको कैसे करेंगे. हमने कहा था अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा, लिखा ऑलरेडी इन्होंने रूट है, समझ रहे हो? तो लिखा है तो क्या लिखोगे, एफ 4/3 एक्स 4/3 रखने पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. रख दो. अब एफ थ्री का तो 6 × 4/3 का क्यूब माइनस 11 × 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 प्लस 20. इसको थोड़ा सॉल्व करो, इज इक्वल टू 0. 4 का क्यूब कितना होता है, 64. और 3 का कितना होता है, 37 माइनस 16/9. फिर क्या है, प्लस 4/3 इज इक्वल टू माइनस 20. 20 उधर भेज दिया हमने. सर मैंने मेरा इधर पता नहीं, मैंने सॉल्व किया तो ये गलत आ गया मेरा पूरा. क्या ला ये मेरा 45/16 आंसर आएगा? देखो अभी आएगा इसको. जब हम करते हैं ना देखो कैलकुलेशन में ही गड़बड़ किया होगा. अब देखो 3 2 3 9 ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, 29 हो जाएगा. और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 176/9 आ जाएगा. और ये हो जाएगा k इंटू 4/3 इज इक्वल टू माइनस 20. इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा माइनस में है इस करोगे तो माइनस का आंसर आएगा 76 को 128 से करोगे 16 एक कैरी 16 8 आएगा, 48 आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 48/9 प्लस इज इक्वल टू माइनस 20. अब इसको उधर भेज दो तो k इंटू 4/3 और माइनस 20 प्लस का 48/9 तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 180
प्लस 48 बाई 9, 48 घटा दोगे तो कितना आएगा 32, सब्ट्रैक्ट करो हाँ 132 माइनस का 132 बाई 9, ये आ रहा था अभी नहीं आएगा, अभी और भी आएगा, ये आ गया। अब k की वैल्यू निकालनी है, ये 4 से डिवाइड होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 डिवाइड होगा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 बंजा 3, 3 का 9 और 4 2 बंजा 2, 6 और तो देगा 3 बंजा 3, 3 2 11। बेटा माइनस का 11 आ रहा, माइनस 48 बाय 9 प्लस k 4 बाय 3, अच्छा इतना तक मुझसे मेरा सही है, फिर उसके बाद पता नहीं गलत होगा। ये जो ये चीज है हमने इसको यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कर दिया, ये जो चीज थी है सॉल्व कर दिया आंसर आगे, कर लो नोट। हो गया हेलो हो गया
मैं पॉलीनोमियल वाला चैप्टर डिवीशन पे हूँ कि अच्छा तो एक पॉलीनोमियल में जो लॉन्ग डिवीशन मेथड है वो आएगा करूंगी कोई वो बेटा वो कोर्स में नहीं है, उसमें रिमाइंडर थ्योरम है, वो जो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं उसमें है, जो एनसीईआरटी की बुक खोलो बता दे रहे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। एक बार तुम पहले पॉलीनोमियल पढ़ लो और कोई डाउट हो तो हमको जैसे बता रहे हैं टिक कर लो, बोलने पेज नंबर एनसीईआरटी खोलो जस्ट अ सेकंड एनसीईआरटी 35 पेज नंबर पे। यस सर, कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पार्ट 6 और 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 6 और 7। थर्ड सिक्स सेवन पार्ट इम्पोर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर फोर में ये सेवेंथ वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर में सबसे सेवन वाला पार्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, और है पेज नंबर बोलो 40। 40। हाँ 40। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज 2.3 का कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर। पेज नंबर 41 पे एग्जांपल 12। हो गया। ओके सर। पेज नंबर 44 हो गया। पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों अच्छे से लगा लो। क्वेश्चन नंबर 44 का ना? पेज नंबर 44 बेटा और क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है सर। और पेज नंबर 49 खोलो। पेज पहले तो 48 पे है, 48 पे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 2.5 का पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक, दूसरे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन का? फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। एट्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। एट्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। नाइन्थ का सेकंड पार्ट। नाइन्थ का सेकंड पार्ट। टेंथ का भी सेकंड पार्ट। कौन सा सर? टेंथ का सेकंड पार्ट। टेंथ टेंथ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट। टेंथ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 1 3 13। क्वेश्चन नंबर 14 बस इतना इसमें पढ़ लो, एक एक पार्ट बस, ये चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 का दोनों पार्ट पढ़ लेना है, इसमें दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक बेटा, इतना तुम लगा लेना, जो कोई डाउट हो तो भेजना, हम करवा दें। ठीक है सर।
सर, पर नेट वाली क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम यूज कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ठीक है ठीक है, कल नंबर सिस्टम करेंगे। ठीक ठीक है ठीक है, इतना लगाओ, कोई डाउट हो भेज देना, हम रात में भेज देंगे तुम्हें आंसर, कोई डाउट होगा भेज देंगे। ठीक है सर। ठीक है ठीक, सर को भेज देना, भेज देंगे। चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर।